हाँ जी, आ देखो अज मैं बादामों वाला दुध बनाया। बादाम ओवरनाइट भिउते सी, भिउण तो बाद फिर मैं ना धो के स्पलेंडर दे विच पा के इहदे विच एक कप दे विच चार कप पानी दे पै जांदे ने बादामों दा, चार जणे चार पंज कप दुध बन जांदा एक बादामों दे कप तों। इहदे विच पा के मैं ग्राइंड कर ली। ग्राइंड करके आ देखो मैं कपड़ा पिया इहदे विच, इस कपड़े दे विच मैं पा के स्क्वीज़ कर लिया इस पतीले दे विच। आ देखो दुध किन्ना सोहना चिट्टा क्रीमी आ, बहुत वधिया मिल्क आ, स्वाद बहुत हुंदा। हुण दुबारा जिहड़ी पल्प मैं कढ़ी, दो वारी तुसीं कर सकदे हो, मैं दुबारा हुण कढ़ी पई आ। हुण इहनूं मैं फिर एक वारी ग्राइंड करके कपड़े दे विच पा के फिर मैं इहनूं स्क्वीज़ कर देना। दुध दे विच थोड़ा जिहा पिंक सॉल्ट पा देना, पिंच ऑफ बस, दोनों बार दोनों 'च चला लो, अद्धा चमच पै जूगा। मैं तीन जग दुध दे बनाए ने, मेरे कोल 5 और 6 कप बादामां दे सीगे, ते मेरे बन जाने 20-25 कप दुध दे। ਅਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਣੇ। ਇਹ 'ਚ ਸਮੂਦੀ ਬਣਾਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਲੀਆ ਬਣਾਓ, ਇਹ 'ਚ ਓਟਸ ਖਾ ਲਓ, ਕੌਫੀ 'ਚ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਲਪ ਹੈ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਦਾ, ਕਰੈਕਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੁੱਕੀਆਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦਲੀਏ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਟੇ 'ਚ ਗੁੰਨ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣ ਫਰੈਸ਼ ਦੁੱਧ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੇਸਟ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਇੱਕਣ, ਆਪਾਂ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਰਮ ਕਰ ਲਓ, ਗਾਂ ਦੇ ਦੁੱਧ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਬਾਏ ਬਾਏ।